का राजगढ़ में बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया, राहुल एवं प्रियंका के बाद अगर किसी का नाम लेते हैं तो वह है दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दिग्विजय सिंह, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह एवं पुत्र जयवर्धन सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह सहित कई विधायक एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी दिग्विजय सिंह को हराने के लिए भोपाल में डेरा डालेगी, क्योंकि सबसे बड़ा कांटा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह है। लेकिन हम क्या डर गए क्या? ये सब जो बैठे हैं वे ये हमारी ताकत हैं। अभी जितने भी मौजूद हैं सबसे मेरी प्रार्थना है कि राजगढ़ सीट तो जीता ही है लेकिन भोपाल भी जिताना है। मेरे से पूछना भी मत कि हम कहां जाएं, आपको खुली छूट है। आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रों को जो भी भोपाल में मतदान करना हो उनके घर जाकर अपना डेरा डाल लो। साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि गुजरात के पूर्व भाजपा के विधायक उन्हें पत्र लिखा कि मोदी जी को एक अमित शाह के सारे लोग दलाली कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, जिसका जवाब भी नहीं दिया। लगभग 5,000 करोड़ 15 दिन के अंदर उन्होंने नए नोट बांटे। उस 1500 करोड़ का 15 दिन में 30% भाजपा के अमित शाह जी ने कमा लिया और मैं आरोप लगा रहा हूं अमित शाह के ऊपर। अमित शाह ने अपने कमीशन खाई है, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके बताएं। यही कारण है कि भाजपा दिग्विजय सिंह से नाराज रहती है। 3 बार प्रधानमंत्री जी किसी न किसी का नाम लेते, राहुल गांधी जी का तो लेते ही हैं, साथ ही प्रियंका जी का भी लेते हैं, वहीं सोनिया जी का भी लेते हैं, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह का ही लेते हैं। अभी अभी उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी भोपाल से चुनाव लड़वा रही है तो उनकी तारीफ में पाकिस्तान में फटाके फूट रहे हैं। मोदी जी, मैं तो पाकिस्तान आज तक नहीं गया, आप ही ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी शपथ ग्रहण में बुलाया, नहीं बुलाया तो वैसे बताएं गले भी लगाया। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भतीजी की शादी में भी आप पाकिस्तान गए थे या नहीं? वहीं बिरयानी भी खाई थी या नहीं? मैंने तो आज तक नहीं खाई। नरेंद्र मोदी जी और पूरी पार्टी दिग्विजय सिंह को हराने के लिए भोपाल में डेरा डालेगी, क्योंकि सबसे बड़ा कांटा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उनके लिए है। लेकिन हम क्या डरते हैं क्या? ये सब जो बैठे हैं ये हमारी ताकत है कि नहीं है? अब ये जितने भी यहां मौजूद हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि राजगढ़ सीट तो जितानी है लेकिन भोपाल भी जिताना है। मेरे पास पूछने मत आना कि हम कहां जाएं, आपको खुली छूट है। आपके नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, जो भोपाल का मतदाता है उसके घर में जाकर डेरा डालो और 12 मई के 10 दिन पहले वापस लौट आना, क्योंकि राजगढ़ भी अपने को जिताना है। जितिन ओझा, आपके पूर्व भाजपा के विधायक, उन्होंने पत्र लिखा मोदी जी को कि अमित शाह के सारे लोग दलाली कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, जांच करिए, उसका जवाब भी नहीं दिया। लगभग 5,000 करोड़ 15 दिन के अंदर नए नोट उन्होंने बांटे, उसका 30% मना समझ लीजिए, 1500 करोड़ रुपए 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने कमा लिए। और मैं आरोप लगा रहा हूं अमित शाह के ऊपर, अमित शाह जी पे आरोप लगा रहा हूं कि आपने कमीशन खाई, हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। यही कारण है कि भाजपा दिग्विजय सिंह से नाराज रहती है। 3 बार प्रधानमंत्री जी और किसी का नाम नहीं लेते, राहुल गांधी जी का लेते हैं, प्रियंका जी का लेते हैं, सोनिया जी का लेते हैं और फिर दिग्विजय सिंह का लेते हैं। अभी अभी उन्होंने कहा कि भाई दिग्विजय सिंह को कांग्रेस भोपाल से चुनाव लड़वा रही है तो उसमें पाकिस्तान में फटाके फूट रहे उनकी शहादत, उनकी उनकी तारीफ में। मोदी जी, मैं तो कभी पाकिस्तान आज तक नहीं गया,
आपने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया कि नहीं बुलाया, गले लगाया कि नहीं लगाया, बिना बताए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भतीजी की शादी में आप पाकिस्तान गए कि नहीं गए? लोग कहते बिरयानी खाई, खाई कि नहीं खाई, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इधर आ जा।